हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल? आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज मैं देखने वाला हूँ पोइन कोरिया की न्यू वीडियो, जो कि है 24 हार्स विद कोरियन किड्स बीइंग अ मोम फॉर अ डे। तो मैंने इनकी आज सुबह ही इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरीज देखी थी, तो इन्होंने कहा था कि आज न्यू वीडियो आ रही है, और ये भी कहा था कि कुछ न्यू किया इन्होंने, तो एक्साइटेड देखने के लिए लग भी रहा है कुछ न्यू। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी, तो लगेगी तो एंड तक लाजमी देखना वीडियो। चलो फिर शुरू करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे को So guys, आज है Wednesday, और आज कोरिया में कोई ऐसा वैसा Wednesday नहीं है। No. आज कोरिया में है Children's Day। आज के दिन पूरी कोरिया में छुट्टी है, इसका ये मतलब है कि मेरी भी छुट्टी है और जो स्कूल है ना वो भी बंद है, ताकि कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और जैसे कि आप सबको पता है, मेरी भी एक औलाद है जो कि है मोंगमोंग, मेरी जायदाद का एक लौटा वारिस। लेकिन जो मोंगमोंग है ना वो एक कुत्ता है, तो इसके साथ वो मम्मी वाली एक्सपीरियंस नहीं आती। तो आज के वीडियो के लिए मैंने दो बच्चे किराए पर लिए हैं, जो कि मेरे पड़ोसी के बच्चे, ताकि कि मैं उनके साथ थोड़ा दिन स्पेंड कर सकूं और जो मम्मी वाली फीलिंग होती है ना वो एक्सपीरियंस कर सकूं। सो गाइस, 10 मिनट बाद में मेरे जो किराए के बच्चे ना वो यहाँ पर घर पर डिलीवर हो जाएंगे। और एक्चुअली मुझे बहुत ही डर और घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनके साथ बिहेव करूंगी। सो आई एम सो नर्वस। उनकी मम्मी का फोन आ रहा है। बच्चे आने वाले हैं गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। मोमोंग, तू तैयार है अपने सौतेले भाई बहन से मिलने के लिए? नहीं नहीं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। अन्यांग। थोड़ा शर्मीला है। एंड हियर मिसारिया, येजुन मिसारिया, इलगोपसार। वाओ मामा, वेट ये बच्चे ये डब्बा लेके आए हैं। और इट्स इनसाइड ही। इन बच्चों को मोंग मोंग पसंद है, लेकिन मोंग मोंग को बच्चे पसंद नहीं है ना। आ कुमार के तो जावा के बच्चे आ गए थे। Damn, it feels good to be a gangster. नो पेगोप्पा, अभी अभी तो खाना खा के आया था। कैंडी चुपचुप रेगिनल लॉलीपॉप। तो ये बच्चे यहाँ पर बिल्ली का खिलौना लेके आए हैं, तो अभी हम इसको एक साथ बनाते हैं। मोंग मोंग को लग रहा है कि ये खाने की चीज है। डोले शोले क्यों गाइस, ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। येलो से व्हाइट हो गया, येलो पिकाचू। ये जो ना तो इरोंगो साजू से हो, मुझे भी ये दे दे। बस स्पीकर है ना वो वाला, कलर चेंज हो जाता है। वे दुना चिम तुम बुआना लो, दुना के बात करो, दुना कर लो साया ना। कोरियन बच्चे भी कितने होशियार है। मैंने उसको बोला कि मेरे लिए भी खरीद के दे देना वो वाली टी शर्ट, उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, नूना के पास बहुत सारे पैसे है, तो अपने पैसों से खरीदो। आज अभी मैं बच्चों के साथ किड्स कैफे जाने वाली हूँ, क्योंकि मोंग मोंग काफी नोइजी है, उनको परेशान कर रहा है, तो अभी हम बाहर जाने वाले हैं। यहाँ की साफ सफाई करो जल्दी जल्दी। चगाओ नो मुसो नो सिडी बेका। हां जी बेका, अनि मेरा वाओ पूरा स्टोर खुला हुआ है। चूज करिए इगो आरास से गई बेके। क्रिको शॉट्स व्हाइट ब्लैक व्हाइट शर्ट। ओके सो गाइस, ये जून ने ये वाली जींस की पैंट चूज करी है, और ये हमने बोला है कि व्हाइट टी शर्ट पहननी है, तो अभी हम जल्दी से ये कपड़े चेंज करते हैं। तदान गाइस, आई एम रेडी। टिकटॉक वाला स्टाइल करना है। फैशन होते हैं ये जून। कौन से कानों के पहनूं? हना कोल्ला बा आ इगो ये वाले। सो मेरे सोतेले बच्चे ने ये वाले कानों के चूज करे हैं, तो ये वाले पहनते हैं। ओके हम कुमार तो कुमार से सर आई कैन हे भाया गाइस, मैंने उनसे मेरे बैग के लिए नहीं पूछा कि कौन सा वाला बैग इस्तेमाल करूं। बैग भी चूज कर लीजिए, ये वाला। ओके ये वाला मुझे पसंद है। सो गाइस अभी मैं रेडी हो गई, ये रही मेरी एक्सेसरी, और अभी हम चलते हैं किड्स कैफे।
मोया मुर्गो की उंगोरो फिश वाओ सो स्मार्ट चलो अभी चलते हैं बाहर बाय सो गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ही मस्त मस्त वाला मौसम है और अभी हम टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं ये जो इल्ला वहाँ पर खतरा है उसके बाद में क्या आता है मुल्ला सो गाइस हमारी टैक्सी भी आ गई है हाय मोटरसाइकिल लेट्स गो ये पहले बता दो बाइक का नहीं व्हाट्स योर फेवरेट कलर येन व्हाट्स योर फेवरेट कलर मेबी ग्रीन एंड ब्लू वाओ हर इंग्लिश इज सो गुड गाइस इंग्लिश में बात करके बता चॉकलेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं चोको उयो फाजी में खोयांगी कैट वाओ वाओ अभी येन से पूछते हैं कि उसको कितनी इंग्लिश आती है नामू उनेंग बैंक ओ कार चंगप ग्लव ओ झरंदा योगी सुनेर के यहाँ लेट्स गो ध्यान से उतरना ओके सो गाइस अभी हम एक साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं आज तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे डाउनटाउन में यहाँ से कुछ खरीदना है सो गाइस अभी हम डाउनटाउन में आए हुए हैं जवानों के अड्डे में और ये जो उनको ये वाला पसंद आया ये है मैस के ऊपर लगाने के लिए तो हम ये वाला खरीदते हैं यहाँ पर कुछ पसंद है आपको ये उनने अपना माइंड चेंज कर लिया उसने ये वाला खरीदा है ये वाला लगाते हैं मास्क के ऊपर सो गाइस अभी हम आए हुए हैं इस कन्वीनियंस स्टोर में कुछ आइसक्रीम खरीदने के लिए आइसक्रीम चूज कर लीजिए ये जून तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है आइसक्रीम लेने में ये वाली चाहिए ये उन नो आइसक्रीम आर यू श्योर ओके 122 60 इसको सर पे किड्स कैफे इस बिल्डिंग के अंदर है वो लड़की अच्छी वो समझ आया ना सो गाइस ये रहा किड्स कैफे हां ओके अच्छा वो उसको पुश करना होगा यार ये किड्स कैफे कितना मजेदार है I love kids cafe. छोटी बच्ची हो क्या इवन दो मैं एक बच्ची नहीं हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है छोटी बच्ची हो क्या ओके इधर बन गया ये किसके बच्चे हैं न्या वाई ये मार रहा क्यों है बच्चा मुझे I'm sorry. बेमतलब में बच्चे लोग मुझे मार रहे हैं ये तो होना ही था मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा उसको कैसे जोर जोर से मार रहे बेचारे को बाय 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 यहाँ पे खेलते खेलते हमें बहुत ही प्यास लगी तो अभी हम कुछ ठंडा ठंडा पीते हैं चला योर का ये जून की पैंट सारी गीली हो गई अभी हम ये जून की पैंट सुखा रहे हैं यहाँ पे बाथरूम में कौन सा टेस्ट है तो गाइस अभी हम ये वाला फोटो फ्रेम बना रहे हैं और ये बच्चा कौन है मुझे खुद भी नहीं पता और ये जून ये कैप्टन अमेरिका की ब्रेसलेट बनाने वाला ये जुन ने अपना ब्रेसलेट खत्म कर दिया ये वाला बच्चा मेरा यूट्यूब पूछ रहा है योगिता और अभी टाइम हो चुका है घर पर जाने का एजुन घर पे जाने का टाइम हो गया है एजुन घर पर जाना है यस सुन लो हाँ या ना
अभी ये टैक्सी लेके घर पर चलते हैं। आराम से बैठिए चंचनी। आगे वापस। ओ यन्या। खाचा चले खाचा। सबसे पहले अपने हाथ साफ करिए। ओके। सम शिपचो। तो गान्या जी। 36। ओके। ये इंदो पंपअप चरंदा। मेरी एक लौती संतान मोंगमोंग को भी भूख लगी है तो मोंगमोंग को भी कुछ खाना देते हैं। मोंगमोंग फेगोप्पा अरस्ता फाप चुके हैं। बेचारा मैंने छड़ के थी तो मन खराब ही दिया उनको। गाइस मैंने कुछ पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करे हैं डिनर के लिए तो भी हम ये खाते हैं। बच्चे बच्चे की लौटी लग गई है दोनों बच्चों। ये रहा पिज्जा मार्गरीटा और ये वाला है पोटैटो एंड मीट वाला। पीछे जा। कौन सा वाला खाना चाहते हो? ये वाला कोई भी दे दो बच्चे को तो कोई भी दे दो खा लेगा वो। गाइस अभी हमने और बच्चों ने सारा खाना खा लिया। सारा तो नहीं खाया, काफी बच गया है लेकिन इनका पेट भर गया है। तो बार बार ये कैंडी क्यों खा रहा है? ये बोल रहा है कि ये मेरी दवाई है तो खाना खाने के बाद में इसको खानी चाहिए। एगो यक आनिया एगो कैंडी एगो खेसो मुक्कु सा पता है कैंडी लेकिन माही ससा। बच्चे लोग मोंगमोंग के साथ खेलना चाहते हैं लेकिन मोंगमोंग उनके साथ नहीं खेलना चाहता। क्यों रे मोंगमोंग क्यों नहीं खेलना चाहता? तेरे सौतेले भाई बहन है तो क्योंकि इन बच्चों का घर पर जाने का टाइम हो गया है तो उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ एक फोटो खींचना चाहते हैं यादाश्ती के लिए। मम्मी इधर चिकन को आया अरस्त। ओके 1 2 3 दो मिनट बाद में फोटो आ जाएगी। सो गाइस ये रही हमारी फोटो और ये वाला फोटो फ्रेम ये ने किड्स कैफे में बनाया था तो अभी ये फोटो इसके अंदर डालते हैं। सो गाइस अभी यहाँ के शाम के 8 बजने वाले और इनका घर पर जाने का टाइम हो चुका है। ये जो घर पर जाने के लिए तैयार है उनको आज का दिन बहुत ही पसंद आया। सही बाय बाय। सो ये रहा मेरा घर और ये रहा उनका घर। बाय 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 अर्जुन बायदा। सो गाइस अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ मोंगमोंग के साथ उसको बाहर घुमाने के लिए। तो आज उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैंने उनके साथ सिर्फ 4-5 घंटे गुजारे लेकिन आप इमेजिन करिए उनको सुबह उठाना उनको स्कूल भेजना उनके लिए खाना बनाना कितना मुश्किल होता होगा पेरेंट्स के लिए। सो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और मैं आपको जल्दी से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड आई लव यू। ओके ओके ओके। तो नाइस वन यार, बहुत ही अच्छा व्लॉग था, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। जैसा कि इन्होंने स्टोरी में अपनी कहा था इंस्टाग्राम की कि मैं कुछ डिफरेंट किया तो अच्छा व्लॉग था, मज़ा आया, एंजॉय किया। होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी एंजॉय की होगी वीडियो। और बच्चे कबीर थे तो उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, उन्होंने भी बच्चों ने भी इंजॉय किया। वही सब वो गए खाना खुना खाया इंजॉय किया। लड़का जो छोटा बच्चा वो तो जा ही नहीं रहा घर में, घर भी नहीं जाना तो इंजॉय किया। तो कमेंट जरूर करना आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इधर भी कहीं नेम आ रहा है तो जल्दी से जाओ फॉलो करो जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।